हैं पूरा कितना ऊंचाई पे हम लोग हैं अभी। बिस्मिल्लाह करके किया जाए, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया आज। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है 16 मार्च और अभी सुबह का टाइम है और हम लोग की एक जगह जा रहे हैं। सुबह सुबह ही कुछ काम है तो ब्लॉग में देखने को आपको मिलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहें। साथ में है प्रशांत। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह निकल गए हम लोग, रोड भी खाली है अभी, तो ब्लॉग में बने रहें। वहाँ सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल गए हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, और देख सकते हैं पूरा दूर दूर तक कोई गांव नज़र नहीं आ रहा है, सब खेत ही खेत। अभी कोहरा है इधर गांव में, तो खेत बाहर कोहरा रहता है 8-9 बजे तक। और अभी आगे चल रहे हैं, धूप निकल गया है लेकिन अभी कोहरा है। और ये टोल आने वाला है, फर्स्ट टोल। तो फास्ट टैग रहने से ही फायदा रहता है कि आपको ज़्यादा देर तक टोल पे रुकना नहीं पड़ता। फिलहाल अभी बजे हैं 8:11, हम लोग को लगभग एक घंटा हो गया घर से निकले हुए, और लगभग हम लोग को एक घंटा लग जाएगा गोरखपुर पहुंचने में। तो गाइस यहां पे ट्रेन जा रही है अभी, तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं आनंद नगर। अभी आनंद नगर इधर फाटक है, रेलवे फाटक, तो वहां ट्रेन जा रही है इसलिए रुके हुए हैं। तो देखिए इतना जाम लग चुका है और वो रहा आगे रेलवे फाटक, सब लोग बीच में, पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ जंगल के पास रुके हैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, और इधर है गोरखपुर का रोड और इधर है सिद्धार्थ नगर। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए आए हैं। All the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. दोस्तों हम लोग अब नेशनल हाईवे पे एंटर करने वाले हैं। ये भी चला जाता है गोरखपुर और इधर नेशनल हाईवे है, तो वहाँ से हम लोग, क्योंकि हमें गोरखपुर के बाहर जाना है थोड़ा सा, तो ये जाता है लखनऊ हाईवे है नेशनल हाईवे। अब और ये हम लोग का छूट गया, ये भी गोरखपुर सिटी में जाता है लेकिन हम लोग को गोरखपुर के बाहर जाना है, तो ये हम लोग नेशनल हाईवे पकड़ लिए। क्या शानदार हाईवे बना है, लेकिन उसी टोल भी इसका थोड़ा ज़्यादा है।
सुबह पूरा हाईवे खाली हम लोग को मिल रहा है, कोई नहीं है दूर दूर तक इस नेशनल हाईवे पे, ना तो कोई गाड़ी आ रही है ना तो कोई गाड़ी, बस हम ही लोग दिख रहे हैं। और देख सकते हैं इतना ऊपर हम लोग चल रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सुबह सुबह। यहाँ से लखनऊ 267 किलोमीटर, वाराणसी 233, कुशीनगर 80 किलोमीटर है। क्या शानदार हाईवे। अभी हम लोग हैं नेशनल हाईवे पे, लखनऊ हाईवे पे। तो इसके बाद आएगा नौसड़, जो कि है गोरखपुर के थोड़ा आउटसाइड में, खलीलाबाद रोड पे। तो अभी वहीं पे हम लोग का कुछ काम है। और नेशनल हाईवे बहुत ही अच्छा बना है पूरा। अभी सुबह सुबह हम लोग इसीलिए निकले थे क्योंकि पूरा रोड हमें खाली मिले, उतना दिक्कत नहीं होती है। और थोड़ा सा जर्क लग रहा है यहाँ पे क्योंकि गाड़ी पूरी खाली है और स्पीड हम लोग थोड़ा मेंटेन करके चल रहे हैं क्योंकि काम जल्दी कराना है कुछ है। तो ब्लॉग में बने रहें, आपको अपडेट मिलता रहेगा। हम लोग ने एग्जिट ले लिया है, नेशनल हाईवे छोड़ दिए हैं और अब हम लोग इंटर कर रहे हैं कहाँ पे, गोरखपुर बाईपास। गोरखपुर बाईपास Continue on Gorakhpur Road for 8 km. ये एरिया गीदा में आता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, बुद्धा इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इस रोड पे हैं। इसे गीदा के नाम से जाना जाता है ये एरिया। अभी ये लगभग 1-2 किलोमीटर है, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। ये आ गया आपका बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीदा। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कुछ ही दूरी पे, जो हम लोग का डेस्टिनेशन है, जहां हम लोग को रुकना है, आने वाला है। अभी टाइम हो रहा 9:11, हम लोग को लगा लगभग 2 घंटा, जस्ट आने वाला है हम लोग का डेस्टिनेशन। ये है हम लोग का डेस्टिनेशन रेनॉल्ट के सर्विस एजेंसी पे। अभी तो गेट बंद है, हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए हैं क्योंकि आज कराना है अपनी गाड़ी में कुछ काम। ये है रेनॉल्ट गोरखपुर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारा डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं रेनॉल्ट के, हमने मतलब अपॉइंटमेंट लिया था कल के लिए, सर्विस करानी थी गाड़ी की, तो सुबह सुबह निकल गए थे। बाकी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और तो अभी चलते हैं कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं आसपास कुछ मिल जाए नाश्ता वास्ता करने के लिए। कुछ खा के नहीं निकले थे, वो क्या कहते हैं, मीठा खा के थोड़ा सा निकले थे घर से। चलते हैं कुछ खाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 9, हम लोग वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लिए थे और आए थे अभी कुछ यहाँ नौसड़ चौराहे पे कुछ खाने पीने। तो अभी नाश्ता वास्ता ऐसे हल्का फुल्का कर लिए हैं क्योंकि वहाँ आसपास जो एजेंसी के पास कोई दुकान ही नहीं खाने पीने का, तो अभी खा पी के जा रहे हैं। क्योंकि और ये था कि अभी वहाँ वर्कर भी नहीं आए थे, तो इसलिए हम लोग सोचे कि तब तक खा पी लेते हैं कुछ, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। कल जो है ऐप, अभी जो है कस्टमर लाउंज में बैठे हैं रेनॉल्ट के, वेट कर रहे हैं। और इधर देखिए वर्कशॉप है, गाड़ियां जो है इधर वर्कशॉप में इसका सर्विस हो रहा है। बाकी टीवी भी लगा है यहाँ पे वेट वर्कर करने के लिए, देखने के लिए, ताकि टीवी भी हम लोग देखेंगे नहीं, बैठ के वेट कर रहे हैं। एक बैग था उसको निकाल लिया है, इसमें अपना लैपटॉप वपटॉप है, कुछ काम करेंगे भी। अभी जब थोड़ा बहुत जो टाइम मिला है उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाती है ब्लॉग की, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बस यही है, तब तक वेट, जब तक गाड़ी सर्विस होगी तब तक हम लोग वीडियो एडिट कर लेंगे और फिर देखते हैं खाना वाना खाना होगा तो फिर थोड़ा बाहर वाहर चलते हैं, देखेंगे पास में ही मतलब चौराहा है वहीं पर चलते हैं। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहें। थैंक यू।
यहाँ पे अपना खाना आ गया है, प्रशांत का मेरा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें, करो। ये हमारा आ चुका है खाना, इसकी क्लीनिंग सर्विस के बाद। अच्छी धुल उल के पॉलिश वॉलिश लग गई है। पॉलिश लगा दे, बताना। सब कुछ हो गया है, सिर्फ उसकी बिलिंग कराना बाकी है, तो अभी 5-10 मिनट में वो भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकलते हैं। अभी शाम के हो गए हैं 4, तो काफ़ी समय लग गया है। बस बिलिंग 5-10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया आज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों, ये गाड़ी हम लोग की रेडी हो गई है, पूरा एकदम फन के इधर ये जाया जा रहा है, रेनॉल्ट क्विड। चलो, नेशनल हाईवे पे इंटर करने वाले हैं। ये इधर गोरखपुर छूट गया और इधर सनौली के लिए, इधर चक्र से, गोल चक्र से घूम के हम लोग को नेशनल हाईवे पे चढ़ना है। इधर बहुत सारी ट्रकें लगी हुई हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है गोरखपुर का। तो ये हम लोग अब पहुँच NH-29E है ये। सो गाइस, अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे पे इंटर कर चुके हैं और अब शाम हो गई है, 4:30 होने वाले हैं। तो ब्लॉग अब बहुत ज़्यादा आज शूट हुआ है, तो अब घर चलते हैं। बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत दिखाते रहेंगे अगर रुक रहे हैं, नहीं तो घर पहुँच कर आपसे मिलते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग NH-29 पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं क्योंकि अभी चलना बहुत ज़्यादा दूर है। और पीछे देख सकते हैं पूरा कितना ऊंचाई पे हम लोग हैं। अभी ये पूरा इलाका ऐसे है और यहाँ पे कुछ खाया पिया जा रहा है। पार्ले जी, ऑलवेज फेवरेट, ऑलवेज फेवरेट।